हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंदे मातरम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आवर लाइफ दैट इज ऑल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आपके यहाँ पर जो यूनिट है उस यूनिट में इसी नाम से ये चैप्टर है, बट इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इन्वॉल्व व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन दी ब्रीदिंग इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर यहाँ इस चैप्टर के द्वारा हम बच्चों स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वन प्लेस टू अनदर प्लेस है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और कैसे यहाँ पर टिश्यूज तक ऑक्सीजन यहाँ पर है वो पहुंचती है, या टिश्यूज के या मेटाबॉलिज्म से जो रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे हमारी बॉडी के से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड हाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द ब्लड एंड हाउ टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द सेल द व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन दिस इन दैट टाइप ऑफ प्रोसेस से। तो ये एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट यहाँ बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इसे हमें कंसेप्ट क्लियर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट यदि होगा तभी हम इसके आंसर दे पाएंगे, और तभी हमें आगे की जो प्रोसेस आगे की जो यूनिट्स है वो समझ में आएंगे। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों उसमें लिंक है, वन बाई वन यहाँ पर लिंक है, जिसमें उस लिंक के द्वारा हम पीछे के चैप्टर को यदि कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे के जो चैप्टर है उनको भी हमें बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं। यहाँ तो यहाँ रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन की भी बात होगी। यहाँ डाइजेशन की यहाँ क्यों होगी, क्यों हमने फूड इंटेक किया, इंजेस्ट ऑफ द फूड आफ्टर इंजेशन ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल द फूड आर डाइजेस्ट इन द सिंपलेस्ट सब्सटेंस आफ्टर डाइजेशन द फूड आर अब्सॉर्ब्ड एंड गोज इनटू द ब्लड एंड ड्रेन इनटू द ब्लड इन द सिंपल फॉर्म आफ्टर ड्रेनिंग इन द ब्लड द फूड आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड टू द टिश्यू इन साइड ऑफ द टिश्यू द फूड है उसको क्या रिक्वायर्ड व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी फूड को, क्योंकि सेल को टिश्यूज को चलाने के लिए यहाँ पर देखिएगा फूड की आवश्यकता होती है, और फूड जब जाता है तो उसे फिर क्या बर्न करना पड़ता है, एनर्जी उसे चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी आपको फूड से मिलेगी, और उसके लिए ये क्या करना चाहिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों यहाँ, तो हम यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे एंड द फूड है वो रिलीज करेगा बच्चों एटीपी, एटीपी वो फिर हमारे वर्क में हमारे टिश्यूज को हमारे ऑर्गन के काम में यहाँ पर आएगी, ऑर्गन जिसकी प्रेजेंस में फंक्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बच्चों यहाँ पर बनेगी है, तो ये बात आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ चुके हैं यहाँ। तो अब डाइजेशन हमारा क्लियर है, कंप्लीट है और क्रिस्टल क्लियर है, तो हम यहाँ पर रेस्पिरेशन को यहाँ पर समझ सकेंगे। यहाँ तो वहां ऑक्सीजन आई और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यही एक मेन पॉइंट है इस चैप्टर की, जो मेन थीम है वही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द फूड आर कंबशन एंड रिलीज टू द एनर्जी। तो हम यहाँ पर एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है तो यही बात आज इस चैप्टर के द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गन है उसका इन्वॉल्वमेंट है उस बात को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ कैसे ऑर्गन है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर विच टाइप ऑफ ऑर्गन फाउंड, क्या सेम एनिमल में या सेम ऑर्गन यहाँ पर होती है, तो ये सब चर्चा यहाँ पर करेंगे। यहाँ तो इस चैप्टर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ रेस्पिरेशन की वर्ड यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्पिरेशन है। तो देखिएगा बच्चों रेस्पिरेशन को हमें मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें वेंटिलेशन इट इज ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन इंटरनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बच्चों हम यहाँ पर ऐसे पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो पूरी ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो लिया है, उस वीडियो के द्वारा हम यहाँ बता सकते हैं। जैसे आप
बड़ा ब्यूटीफुल वीडियो है, ब्यूटीफुल यहाँ पर डायग्राम है जिसमें एक वुमन दिखाया गया है। इस वुमन के अंदर यहाँ नेजल पोर दिखाया गया है, नोज से हम ब्रीथ करेंगे और यहाँ पर एक ट्रेकिया है, यहाँ पर दिखाया गया है ये ट्रेकिया है, फिर ये लंग्स है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग है, ये यहाँ पर एक सक्शन पंप की भांति यहाँ पर काम कर रहे है, जस्ट लाइक सक्शन पंप है। तो ये बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, बॉडी की पोजिशन है जिसमें इस कैविटी को हम यहाँ से इसके ऊपर की कैविटी को हम कहेंगे थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, इस कैविटी को कहेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी। इन सब बातों का हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा जनरली हम इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं कि कहां से श्वास ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। ये नोज है, इस नोज से हम बाहर से एयर लेंगे, एयर लेंगे तो बच्चों यहां पर एयर आएगी। अब यहां एयर जैसी ले रहे हैं तो ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है कि क्या हम ओनली ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर, तो आई कैन नॉट द फिल्टर ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हम कंप्लीट एयर है बॉडी के अंदर यहाँ इनहेलेंट करेंगे बाय थ्रू इंस्पायरेशन। यहाँ ऑक्सीजन भी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग एनवायरमेंट में है वो भी यहाँ पर एंटर कर रही है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस नाइट्रोजन है बच्चों वो भी अंदर एंटर कर रही है, बट रेस्पिरेटरी गैसेज है वो टू ही है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि हम एयर को एंटर करवा रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि हम एयर फिल्टर्ड एयर ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जा बाकी बाकी चला जा, या ऐसा कुछ नहीं है, बट पूरी एयर लेते हैं और वो पूरी फिर आगे चली जाती है, लंग्स तक जाती है, लंग्स के बाद में एल्यूलाई में जाती है। एल्यूलाई से क्या होता है बच्चों, एल्यूलाई से ये एयर कहां जाएगी, ब्लड में जाएगी, क्या नाइट्रोजन आगे जाती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, क्या ऑक्सीजन ही यहाँ ट्रांसफर होती है, क्या पूरी ऑक्सीजन जितनी हम इनहेलेंट कर रहे हैं उतनी की उतनी 100% ब्लड के अंदर जाती है, या उससे कुछ परसेंटेज है वो ब्लड के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होता है, डिफ्यूज होता है। तो ये सब बातें हम इस चैप्टर के द्वारा अध्ययन करेंगे। बच्चों समझ में आई बात है, तो एक वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ रेस्पिरेशन होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तो ये यहाँ पर देखिएगा, द लंग्स एक्सपेल कर रहे हैं, यहाँ लंग्स क्या है, यहाँ एक्सपेल हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं, ये इनहेलेंट और एक्सहेलेंट की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। इसमें आप देखिएगा ये नोज है अपने बच्चों, नेरेज जिसे हम कह रहे हैं, ये यहाँ पर ब्रीद कर रहा है, आफ्टर ब्रीदिंग द एयर कम इन टू द नेजल कैविटी एंड लाइन द नेजल कैविटी लाइन विद द सीलिया एंड हैव ऑल्सो द म्यूकस लेयर, द सीलिया आर द फिल्टर ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर बाय द म्यूकस ऑफ द मेम्ब्रेन, देन द एयर कम इन टू द फेरिंजियल रीजन, देन दिस पार्ट looks at the board screen, then the epiglottis part, the air come into the trachea, yahan dekhiyega air into the comes the trachea and here the larynx is present, then the air come into the lungs, the due to exhalant or inhalant ring like structure found in the trachea, this that is called the C ring, and the expel of the lungs and inhalant during inhalant, so itna size इंक्रीज हो जाता है, तो इस प्रकार की बच्चों स्ट्रक्चर है। देन द एंड पार्ट ऑफ द लंग्स नोन एज द दैट इज कॉल्ड एल्यूलाई, द एल्यूलाई सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, इन द नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज द एल्यूलाई द गैसेस आर ट्रांसपोर्ट बाय द डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम द लंग टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन द स्ट्रक्चर। ये आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है कम इनटू दी एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम दी ब्लड, ये ब्लड की पोजीशन है जिसके अंदर इस प्रकार से ये आपको दिखाया गया है। तो ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं, ये बात आपके बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो ऐसे एक मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रीदिंग की क्रिया होती है, इसको हम अब डिटेल यहां पर स्टडी करेंगे। तो यहां हम देखिए बच्चों एक हेडिंग ली है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन सेल एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कोई एक ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके द्वारा यहां पर ये ब्रीदिंग की क्रिया हो रही है, और इसमें मेनली क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन द सेल एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक वर्ड है, ब्रीदिंग एक डिफरेंट वर्ड है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर सेम वर्ड, बोथ आर डिफरेंट वर्ड, ब्रीदिंग मीनिंग द एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ द गैसेज
फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड लंग्स। तो यहां पर ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। यहां ध्यान रखिए रेस्पिरेशन है, यहां पर किसको कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। और ये थोड़ा सा इसको हम यहां पर अलग से यहां पर समझ लें कि रेस्पिरेशन को कैसे यहां पर वो डिस्क्राइब करेंगे। तब देखिए बच्चों हमारे अंदर यहां पर एक यहां जनरली ये ट्रेकिया है, और ये ट्रेकिया यहां पर हम क्या करेंगे लंग्स के द्वारा यहां पर डेवलप, यहां इसके साथ में लंग्स यहां पर बने हुए हैं। यहां अब ये एनवायरमेंटल है, यहां पर ये एनवायरमेंटल गैसेज है, ये एनवायरमेंटल गैसेज है, ये गैसेज है, इसके अंदर ओ टू भी है, इसके अंदर अदर भी है, और तो ये गैसेज यहां पर आई लंग्स के अंदर। यहां अब यहां लंग्स तक जो ये गैसेज यहां आ रही है इसको हम कहेंगे ब्रीदिंग, इस घटना को हम कहेंगे ब्रीदिंग। और यहीं से ओ टू तो यहां पर आ गई, और यहां इसकी सराउंडिंग क्या है, तो देखो ब्लड है, यहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अभी मैंने कहा नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग ऑफ द एल्वियोलाई, तो ये ब्लड है, यहां ये ब्लड से क्या होगी, इसके अंदर रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहां सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एग्जिट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है फ्रॉम द लंग टू द एनवायरमेंट। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस नॉन एज ब्रीदिंग। ओके, द गैसेज रेस्पिरेटरी गैसेज और एनवायरमेंटल गैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट टू लंग्स एंड लंग्स टू एनवायरमेंट बाय द रेस्पिरेटरी पाथ, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। आफ्टर ब्रीदिंग द गैसेज डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द फर्स्ट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज इन द ब्लड इनटू द ब्लड, व्हाट टाइप ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, देन द ऑक्सीजन सर्कुलेट विद द ब्लड एज ए ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन रीचेज सराउंडिंग द टिश्यू, इन द टिश्यू नियर द टिश्यू द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द टिश्यू। तो यहां बच्चों आप देखिएगा कि ये यहां पर ब्लड वेसल्स है, फिर यहां मैं बना रहा हूं, इसके पास में ये टिश्यू है, यहां इसके अंदर से ऑक्सीजन यहां पर आई, ये ऑक्सीजन कहां दे दी गई, इस टिश्यू को दे दी। पहले हमने क्या दिया था, फूड यहां पर दे दिया था, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां पर पड़े हैं, यहां पर इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रेजेंट है। ओके, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फैट इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, यहां तो प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू द पाइवरिक एसिड। The cycle that is called glycolysis cycle, the pyruvic acid enter into the mitochondria, in the mitochondria the presence of oxygen convert into the carbon dioxide plus ATP, carbon dioxide plus ATP plus water molecule. The water molecule dissolve in the blood and the CO2 removal from the blood, removal from the tissue and drain into the blood. यहां से CO2 इसके अंदर drain कर दी जाएगी, और after oxidation the OTP ATP will be produced, ATP adenosine triphosphate जो अपने currency of the energy यहां कहलाता है, इसे अब करेंसी ऑफ एनर्जी कहेंगे, और शरीर को लगातार ये एनर्जी अपने को प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार से बच्चों आप देखिएगा कि एटीपी है वो अपने शरीर अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और एनर्जी बॉडी को चलाने के लिए यहां पर क्या है, हेल्पफुल है।
तो ये जो रिएक्शन होती है इन कंप्लीट रिएक्शंस को हम यहां पर कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन है। तो द रेस्पिरेशन डिवाइडेड इन थ्री प्रोसेस, फर्स्ट इज द ब्रीदिंग, सेकंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड थर्ड इज सेलुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन, तो थर्ड प्रोसेस इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द इनसाइड ऑफ द टिश्यू सेल, एंड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड। द गैसेज डिफ्यूज, द गैसेज एक्सचेंज फ्रॉम द लंग टू ब्लड एंड द ब्लड टू लंग्स, that type of respiration called as external type of respiration. But the traveling of the gases, the path develop a special type of path develop from the environment to lungs and lungs to environment, and many type of gases, respiratory gases are traveling in between path, in between the environment or the lungs. That type of condition known as the ventilation or breathing. तो ये थ्री प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे यहां पर। तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड इट इज ए डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन। तो इसे कई बार हम सेम मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये बात बच्चों आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आई होप यू आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर वर्ड यू हैव in the brain. Then type of respiration, next point banta hai yahan par, how many type of respiration, the respiration according to oxygen, presence of oxygen or absence of oxygen, oxygen matlab present hai ya nahi hai, presence of oxygen or absence of oxygen the respiration will divided into two portion, first is aerobic respiration, then second is anaerobic respiration. When the oxygen respiration occur at the presence of oxygen, this is called aerobic respiration, and the respiration occur in the animal absent of oxygen, that is called anaerobic respiration. There are two type of respiration on the basis of presence and absence of the oxygen. When the oxygen present and the animal done by respiration, then the respiration, aerobic respiration, that is called aerobic respiration. The aerobic respiration also divided into the two parts, bachon. First is a direct respiration and second is indirect respiration. What do you mean about the direct respiration and what is indirect respiration? Direct respiration meaning the animal not have any respiratory surface, special type of respiratory organ. In this type of animal, in that type of animal, the respiratory gases from the environment directly enter into the cytoplasm or cell, and the excretory respiratory gases like carbon dioxide directly come into the environment from the cytoplasm or tissue. That type of respiration is the direct type of respiration. Direct meaning here, but direct aerobic type of respiration. Then second type of respiration, bachon, kaisa hoga ki when the animal have a special type of respiratory surface or special type of respiratory organ in the body, and the involvement of the in the respiration, that type of organ, the respiratory gases are transferred from the environment, from the blood by the respiratory surface, respiratory membrane, from the environment or blood. So that type of respiration is called indirect type of respiration. The gases are diffused, the gases are transferred by the respiratory membrane, respiratory surface, from the environment to the blood,
एंड वाइस वर्सा ब्लड टू एनवायरमेंट दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये बच्चों यहां पर समझ में आई आपके बात। इस प्रकार से हमें यहां पर डिवाइडेशन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट में कहेंगे यहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर आप देखोगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये इसके अंदर नहीं होता है। डायरेक्टली O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जबकि इसमें डायरेक्टली नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्लासिफाई यहां पर कर सकते हैं, टेबल के द्वारा हम बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, क्या डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट मीनिंग द बॉडी सेल्स एक्सचेंज गैसेज विद एनवायरमेंट विदाउट एड ऑफ एनी ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्टेशन बाई द ब्लड। ओके, और एग्जाम्पल है, हम कहते हैं जैसे ये एक अमीबा है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है। यहां द यूनिसेलुलर एनिमल है नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, से तो डायरेक्टली एनवायरमेंट है, यहां से ऑक्सीजन यहां पर ट्रांसफर हो रही है इनसाइड ऑफ द बॉडी इनसाइड ऑफ द सेल, एंड यहां से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही है इनसाइड ऑफ द आउटसाइड ऑफ द यहां पर सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां प्रेजेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये रेस्पिरेशन यहां पर कर रही है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। बट इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देर इज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड बॉडी सेल। ऑर्गन हैविंग द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये ऑर्गन क्या हो सकते हैं, गिल्स हो सकता है, ये ऑर्गन है वो लंग्स हो सकता है। अब कहीं पर भी कोई ऑर्गन है तो हम एक जनरली एग्जांपल लेके हैं, यहां एक एल्वियोलाई बनाई है, एल्वियोलाई है यहां पर, ये ब्लड है। अब यहां आपने ब्रीदिंग की तो ऑक्सीजन इसके अंदर आई एल्वियोलाई में, द ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड, ये ब्लड है अपने पास में, एंड फ्रॉम द ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द एल्वियोलाई। तो यहां दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन नॉन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें हमने क्या किया बच्चों, CO2 को इसमें ट्रांसपोर्ट किया यहां पर एल्वियोलाई में फ्रॉम द ब्लड, एंड O2 डिफ्यूज किया इनटू द ब्लड बाय द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सेकेंड यहां डिफरेंस है, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, स्पंज में ऐसा ही होता है, निडेरिया में ऐसा होता है, फ्लेट वर्म एंड राउंड वर्म एंड इंसेक्ट के अंदर इस टाइप से हो जाता है। डायरेक्ट है वो गैसेज है टिश्यूज के अंदर जाती है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है वो वर्टिब्रेट्स में होता है। ह्यूमन क्या है, एक वर्टिब्रेट है, तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या होगी, या इनडायरेक्ट टाइप की होगी और एरोबिक टाइप की होगी। तो ये बच्चों यहां हम समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कह रहा है द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हैज टू फेजेज दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, दीज आर प्रोसीड बाई ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। देन व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन, द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। बच्चों यहां से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग आपके पास में हो रही है बच्चों, कैसी प्रोसेस है, तो आप कहोगे ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस नॉट केमिकल प्रोसेस। तो यहां हम यहां पर कहेंगे ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग इन फ्रेश वाटर एंड फ्रेश एयर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड टेक आउट फ्यूल एयर और वाटर। तो ये एक सिंपल सी बात है कि हमने ये एनवायरमेंट हमारे पास में, और इससे यहां पर गैसेज आई
और ये गैसेज क्या है, फिर यहां पर इस फेफड़े के अंदर आई या गिल्स के अंदर आई, और ये यहां पर ये गैसेज यहां पर आई और यहां से वह बाहर निकाल दी हमने, किसकी, फ्यूल ये, इसको तो इसको हम कहेंगे ब्रीदिंग कहेंगे। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट, ऑर्गन और एनवायरमेंट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहां, तो इसे हम कहेंगे ब्रीदिंग की क्रिया। देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड इनहेल एयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए है। एट दिस रेस्पिरेटरी सरफेस, तो कहने का मीनिंग हमारे पास में एल्वियोलाई थी, ये एल्वियोलाई थी, इस एल्वियोलाई के सराउंडिंग ब्लड है, तो एल्वियोलाई से यहां पर गैसेज ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से यहां कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, ये जो यहां पर स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देन इंटरनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन, इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू और सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट टाइप ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या 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 कहते हैं हमें, फर्स्ट पॉइंट का डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू और सेल थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, देन एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ CO2 H2O एंड एनर्जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है। थर्ड चीज, स्टोरेज ऑफ द पार्ट ऑफ द लिबरेटिंग एनर्जी इन द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ द ATP एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू ब्लड फ्रॉम द टिश्यू थ्रू द टिश्यू फ्लूइड। यहां हम बच्चों क्या बात करेंगे, हमने कहा आफ्टर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन सर्कुलेट इन द ब्लड, ओके। अब ये टिश्यू के पास से पास आउट होती है, ये हमारे पास में टिश्यू है, टिश्यू सेल है, अब इसके अंदर ऑक्सीजन यहां ट्रांसफर हो जाएगी, सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, द ऑक्सीजन डिफ्यूज इन टू द टिश्यू, कैसे, इसके चारों तरफ पहले क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड रहता है, तो ऑक्सीजन प्राइमरली पहले किसमें आएगी, टिश्यू फ्लूइड के अंदर आएगी। आफ्टर देन द ऑक्सीजन फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज इनटू द सेल, इन द सेल द फ्यूल, फ्यूल मीनिंग ग्लूकोज, ऑक्सीडाइज एंड लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ATP एंड वॉटर, देन द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू थ्रू द टिश्यू फ्लूइड, वो भी पहले काम आएगी, यहां पर टिश्यू फ्लूइड के अंदर आएगी, टिश्यू फ्लूइड, दैट टाइप ऑफ कंप्लीट रिएक्शंस नॉन एज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस चीज को बच्चों आप यहां पर समझ चुके होंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सेलुलर रेस्पिरेशन की हो रही है यहां। तो ये यहां एक टॉपिक यहां पर बना, एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम यहां पर समझ चुके हैं कि ब्रीदिंग क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, यहां पर डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है और व्हाट डू यू मीन अबाउट द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, एंड आल्सो यू नो अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, तो कुछ जैसे बैक्टीरियाज के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहां रेस्पिरेशन जो होगा वो एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होगा। इस बात को बच्चों अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे इसकी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड
इन ह्यूमन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। थैंक यू सो मच।